हेलो so, टेट इस वीडियो में बात करने वाले अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस जो कि यूजफुल हो सकता है फॉर कमिंग मंडे अब देखो फ्राइडे के दिन पे जो चीज हमने डिस्कस किया था थर्सडे के एनालिसिस आई होप लोगों ने देखा होगा कि एक बार को ये लोग मार्केट को ऊपर की तरफ खींचने वाले हैं फोमो क्रिएट होगा अब हमने देखा फ्राइडे के दिन में मार्केट एक्चुअली में गैप डाउन ओपन हुआ बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट वहां से वन वे में निफ्टी ने 400 पॉइंट का मोमेंटम दिखाया और बैंक निफ्टी ने गैप डाउन ओपन होने के बाद पूरा रिकवरी करते हुए लगभग 51,400 के आसपास क्लोजिंग दे दिया अब कुछ लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया कल के एनालिसिस की वजह से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ऑलरेडी कुछ लोगों ने लिखा है आप लोगों ने क्या किया उस चीज को फॉलो किया या नहीं किया टेलीग्राम पे भी वही चीज डिस्कस कर रहा था मैं कि बहुत शॉर्ट सेलिंग मत करना रैंडम शॉर्ट सेलिंग मत करना मार्केट ऊपर पुल कर सकता है सिंपल सा साइकोलॉजी है सब कुछ नेगेटिविटी चल रही मार्केट के अंदर टैक्सेशन का इशू चल रहा है यूएस की तरफ से प्रेशर आ रहा है वहां पर थोड़ा बहुत सेलऑफ चल रहा है तो अगर मार्केट सच में फॉल करता है जो कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम किया है तो नुकसान कौन करेगा तो कल का जो मोमेंटम था वो बाइंग के साथ साइकोलॉजी को किल करना साइकोलॉजी को चेंज करने का एक्चुअली ट्राई किया मार्केट ने तो चलिए अब मंडे के लिए ट्राई करते हैं मंडे के लिए डिस्कस करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर अपने को फोकस करना है ओके आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था 24,450 दिस इज द ब्रेकआउट लेवल ये दो टाइप के ब्रेकआउट होंगे यहाँ पर एक हॉरिज़ॉन्टल और दूसरा ये लाइन वाला ब्रेकआउट होगा कल मार्केट हल्का फुल्का फ्लैटिश ओपन हुआ वहां से ब्रेकआउट देने के बाद ये रैली अब ये मैंने कल के एनालिसिस में ऑलरेडी समझाया हुआ है क्यों फर्स्ट क्लिप में भी आपने सुना होगा अब यहां पर टेलीग्राम पे भी देखो क्लैरिटी एकदम लाइक हंड्रेड परसेंट क्लियरिटी थी उस हिसाब से मैं यहाँ पर कमेंट्स कर रहा था कि क्योंकि चीजें जो मैं सोच रहा हूं उस हिसाब से चीजें दिख रही है सबसे पहले मैंने कमेंट यहां पर क्या किया था साढ़े नौ बजे फर्स्ट फाइव मिनट कैंडल्स ग्रीन है दोनों में निफ्टी बैंक निफ्टी जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक ट्रैप प्रूफ हो सकता है सेलिंग करना ये एक बार लिखा मैंने उसका निफ्टी का नेक्स्ट रिजेक्शन जोन ट्वेंटी वो भी मैंने क्योंकि लिखा था यहाँ पर ट्वेंटी फोर सिक्स सिक्स फोर्टी विक्स लेवल है ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो आप ठीक है बैंक निफ्टी मैट इज वेटिंग ऑफ मोमेंटम के लिए सिर्फ डे लो स्पॉट में ब्रेक होता है तो ही सेलिंग करना है ये

यूएस में सेल ऑफ आ रहा है नेस्टडेक गिरा है ये वो वगैरह कल के दिन पे पर बायद फ्राइडे के दिन पे अच्छा खासा मोमेंटम किया उसने अब्साइड यूएस ने अच्छा खासा रिकवरी कल के दिन पे दिखाया है तो अपना उस चक्कर में यहाँ पर अपना गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर की तरफ आया यूएस मार्केट में कल देखो लगभग डेढ़ परसेंट दो ऊपर की तरफ आया है एस एन पी फाइव हंड्रेड एक परसेंसट नेस्टडेक एक परसेंट कल अच्छा खासा रिकवरी कल के दिन पे दिखाया market, market है यूके मार्केट यूरोपियन मार्केट में देखते हैं तो उसने पॉजिटिव दिखा है अपना गिफ्ट निफ्टी पर इक्कीस प्लस दिखा दिखाया अब मंडे को पता चलेगा कि एक्जैक्टली कितना गैप अप है या फ्लैट वो अपने मंडे को पता चलेगा तो कहीं ना कहीं चीजें क्लैरिटी थी बैंक निफ्टी में भी अगर आप ध्यान से देखोगे सेंसेक्स का भी अगर आपको याद हो वो भी सपोर्ट से बाउंस कर रहा है मिड कैप ने तो लिटरली यहाँ पर डेली चार्ट पे ब्रेकआउट ही दे दिया साइडवेज करते हुए यहाँ पर सीधा सा ब्रेकआउट ही दे दिया तो ये जो रिकवरी हुई है बार-बार सपोर्ट -बार से बाउंस हो रहा है तो इट वाज क्लियर कि मार्केट इतना इजीली गिव अप नहीं कर रहा है। और देखो इसके पीछे का दूसरा थॉट प्रोसेस जो मैंने यहां पर चल रहा वो ये चल रहा है कि टैक्सेशन की वजह से काफी लोग नेगेटिव थिंकिंग में ओके अब गोल्ड में भी लोगों का लॉस हुआ है जो एस एसजीबी वगैरह बाय करते हुए बैठे थे वहां से भी नेगेटिविटी तो अगर सरकार को थोड़ी पॉजिटिविटी लानी वो कैसे ला सकते हैं थोड़ा बहुत आपका पोर्टफोलियो ग्रीन बनते हुए मतलब अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड करते हुए तो आपका पोर्टफोलियो ग्रीन देखेगा तो इन्वेस्टर्स खुश होंगे कि चलो भाई ठीक है टैक्स ज्यादा बार कम से कम रिटर्न हमारे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चलो सब चंगा सी ऐसा करते हुए चीजों को लोग नेग्लेक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो वो थॉट प्रोसेस प्लस कहीं ना कहीं मार्केट रुक रहा है गिन नहीं रहा है कितने अटैम्प्ट होने के बाद हर बार अगर आप यहां पर ध्यान

कि बॉस हम लोग नीचे बाईस हजार आएगा या बीस हजार आएगा या अठारह हज़ार आएगा तो हम खरीदेंगे अब धीरे धीरे ऐसे मोमेंटम देखते हुए शायद आप लोगों ने कल कुछ माल भी खरीदा होगा ऐसे मोमेंटम देखते हुए जो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं फोमो वगैरह फील करेंगे तो ये लोग बाय करना स्टार्ट करेंगे ये लोग बाय करना स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा परफेक्ट ट्रैप आपको नीचे के लेवल्स पे नहीं खरीदते हुए आप इंतजार करते कि नीचे के लेवल्स पे आएगा मार्केट ऐसा धर्म करते हुए भागते गए आपके सामने आपका जो स्टॉक आपके रेडार पे था जो आपको खरीदना था थोड़ा सस्ता खरीदना था वो पांच दस परसेंट और महंगा हो गया तो आप क्या करोगे अल्टीमेटली फोमो में आपको आके वो चीजों को आप महंगे में खरीदोगे तो दिस इज अ परफेक्ट ट्रैप प्लान जो हम लोगों ने कल के दिन पर ऑलरेडी डिस्कस किया था मज़ा आया चीजें देखते हुए तो लाइक जरूर कर देना कुछ एक बंदे ने तो कमेंट किया कि चार लाख रुपया कमा दो भाई कंग्रेचुलेशन आपने अच्छा खासा किया मैंने खुद बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया हुआ है अभी तक वो ट्रेड चल रहा है मेरा देखते हैं स्नैपर का सेटअप है वो मेरा क्या करता है वो आगे का अभी तो अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा है तो चलो अब डिस्कस करते हैं कि मंडे के दिन पे अपने को क्या करना है किस हिसाब से अपने को यहाँ पर चीज़ों को देखना है और कंसीडर करना है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का अब उसने मोमेंटम तो दे दिया है अब इसका जो हड्डल है बैंक निफ्टी का वो यहाँ है ओके रिजेक्शन 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 अब ऑलमोस्ट इस जोन के नियर अबाउट आके खड़ा हुआ है 350 के आसपास क्लोजिंग दी है इसका जो रिजेक्शन लेवल है वो 51,500 वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नॉ लेट से फ्लैटेज खुलने के बाद ब्रेकआउट या गैप अप खुलने का ब्रेकआउट देता है तो यहाँ सस्टेन करना चाहिए सस्टेन करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट फिफ्टी वन थाउजेंड एट सिक्सटी देखो थोड़ा सा ना लॉजिकल सोचना पड़ेगा अपने फिफ्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से लेके एट सिक्सटी के बीच में तीन सौ साठ पॉइंट का गैप है

ये पैनिक कहां पर करना स्टार्ट करेंगे वो भी लेवल डिस्कस करेंगे हम लोग तो यहां पर हमने डिस्कस क्या किया 51,500 इसके ऊपर नेक्स्ट रिजेक्शन लेवल है इसका 51,860 उसके बाद 52,080 एंड 52,360 के आसपास हम बैंक निफ्टी को ट्रेवल करते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेलिंग करने के लिए अपने वो कहां सेल करना है क्या इस जोन के आसपास सेल कर सकते हैं वो कर सकते हो छोटे स्टॉप लॉस से प्लानिंग हो सकता है बट दिक्कत यही है कि अच्छे मूव के बाद जैसे निफ्टी अपना दो परसेंट का मूव दे चुका ऑलमोस्ट वन पॉइंट एट सिक्स के आसपास का कल के दिन में मोमेंटम दिया हुआ है तो इतने अच्छे मूव के बाद दो चीजें हो सकती है या तो माकर हल्का फुल्का रिट्रेस करेगा या तो मार्केट यहीं पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते हुए आपका प्रीमियम खाएगा तो दोनों ही केस में आप एज एन सेलर के लिए नुकसान ही है अप डाउन अप डाउन में फंस गया तो डबल प्रीमियम मेल्ट होना स्टार्ट होगा दूसरा अगर रिटर्न होता भी है तो आपको पॉइंट्स कम मिलेंगे तो लॉजिकल क्या होना चाहिए लॉजिकली होना चाहिए कि जब तक मार्केट प्रूफ नहीं करता है कि हाँ बॉस मैं कमजोर यहां पर हूं कहीं नहीं तब तक अपने को यहां पर सेलिंग साइड हाथ नहीं लगाना है वो कहां पर प्रूफ होगा अब देखो यहां पर ये यह जो लेवल है यहां पर ओके लेट्स से 23.6 थ्री परसेंट पर आया सस्टेन नहीं किया थर्टी पे सस्टेन नहीं किया अब 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट एक तो बहुत टेक्निकल इंपॉर्टेंट लेवल होता है 0.5 लेवल दूसरा यहां रिजेक्शन यहां रिजेक्शन यहां रिजेक्शन के बाद ब्रेकआउट आया ब्रेकआउट के बाद यहां सस्टेन होना चाहिए आइडियली अगर नहीं होता है फिफ्टी के नीचे सस्टेन करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि बॉस हाँ ये कहीं ना कहीं अब वो कमजोर हो चुका है जो इसका अपसाइड वाला काम था वो हो चुका प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग आना स्टार्ट हो चुकी है फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिफ्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड के नीचे फिफ्टी थाउजेंड सेवन ट्वेंटी एंड फिफ्टी थाउजेंड फोर सिक्सटी वाला जोन ये कहीं ना कहीं अचीव करते हुए दिखा सकता है आई होप द पॉइंट इज कले अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर मैं आपको बताता हूं यहां देखिएगा निफ्टी चलो मैं बाद में बताता हूँ पहले बैंक निफ्टी का बताता हूं आपको मैं ओके okay, हमने ऊपर का कौन सा लेवल डिस्कस किया फिफ्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का राइट यहां पर आप देखिए फिफ्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के साइड पर यहां पर आपको एक लाख नौ हजार क्वान्टिटी मतलब कल के दिन पे हल्का फुल्का यहाँ पर ऑब्बियली ऊपर की तरफ गया तो ये इन द मनी वाले कॉल ऑप्शन वाले लोगों ने एग्जिट कर दिया है और पुट ऑप्शन वाले को और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड होगा क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है फिफ्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे यहाँ पर एक लाख दस हजार ये क्या स्ट्रेडल वाले हैं नहीं क्यों नहीं है स्ट्रेडल वाले क्योंकि इसके अगेंस्ट में जो क्वा वो आधी है तो आधे हो सकते हैं बाकी आधे लोग अभी भी कॉन्फिडेंट है कि फिफ्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसका एक कॉल ऑप्शन पर बेचते हुए बैठे हैं तो 51, को क्रॉस करके सस्टेन करता है तो ये लोग पैनिक करना स्टार्ट करेंगे और ये ऊपर वाले जो बैठे हुए हैं ये लोगों को पैनिक होना स्टार्ट होगा तो मोमेंटो तो अपने को अपसाइड मिलना यहां पर स्टार्ट होगा निफ्टी के चार्ज के ऊपर जाने से पहले इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर अब निफ्टी कल लगभग चार पॉइंट ऊपर गया था राइट चार पॉइंट ऊपर जाने के बाद आइडियली पुट में राइटिंग अच्छी खासी होनी चाहिए कॉमन सी बात है मार्केट ऊपर जा रहा है पुट राइटिंग कर रहे हैं तो मतलब ये लोग अपने जगह पे सही है और अगर आप यहाँ पर कॉल साइड भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहा है तो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क कि बॉस ऐसे कैसे 400 पॉइंट का मोमेंटम वो भी ऐसा नहीं कि वो दो दिन तीन दिन चार दिन घसते घसते ऊपर गया एक दिन पे सिंगल वन साइड उन लोगों ने 400 पॉइंट का मोमेंटम दिया है उसके बावजूद भी यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो लोग यहाँ पर दबा के ऑप्शन सेलिंग करते हुए बैठे उन लोगों ने एग्जिट्स यहाँ पर नहीं किया हुआ है तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है जो कि मंडे टूजे तक अपने को आइडिया आएगा कि इन लोगों का आखिर विचार है क्या इनको करना क्या है तो वो चीजें अपने को देखना है रेस्ट मैं खुद कंफ्यूज हूं कि ऐसे कैसे पॉसिबल है अगर लेट से मार्केट नीचे गिरता है तो इसमें ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है और इसमें कम हो रहा है तो ये सिंपल सा लॉजिक बनता है अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है तो इसमें घटना चाहिए इसमें एग्जिट होते हुए देखने चाहिए हाँ डीप इंदवानी वाले एक्सिट्स हुए हैं बट ये एड द मनी वाले ये हल्के फुल्के जो इन द मनी वाले हैं ये लोगों ने तो अपना ओपन इंटरेस्ट ऐड किया अब वो कैसे चीजें हैं क्या थिंकिंग है वो अपने को मार्केट अनफोल्ड करते हो मंडे टूजडे के दिन पे यहाँ पर बताएगा बात करते हैं अगर हम निफ्टी की तो देखो अब निफ्टी का जो सिचुएशन है यहाँ पर क्या है ये खड़ा है ऑलमोस्ट लगभग आई थिंक इसने हाई लगाया था इसका जो हाई था वो एट फिफ्टी फोर ईयर लगभग क्लोजिंग के टाइम पे इसने लाइफ टाइम हाई अगेन अचीव किया हुआ यहाँ पर चार्ज के हिसाब से दिख रहा है अब यहाँ पर क्या मैं सेलिंग कर सकता हूं इन लॉजिकल होगा जैसे कि मैंने आपको बताया दो चीजें हो सकती है हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट उसमें पॉइंट्स कम मिलेगी या तो ये अप डाउन अप डाउन करते हुए साइडवेज हो सकता है अपसाइड बाय करने के लिए लॉजिक बनता है तो देखो यहां पर एक एंटिसिपेशन कर सकते हैं कि हम लोग एक पॉइंट तकरीबन दूर है किससे पच्चीस से कि यहां से मार्केट गैप अप वगैरह खुलेगा या फ्लैट खुलेगा तो वो गसते हुए पच्चीस हजार लेवल को कहीं ना कहीं रीच कर सकता है ये एंटिसिपेशन है क्या हम एंटिसिपेशन पे अपना पैसा लगा सकते हैं नहीं लगा सकते क्या मैं यहां सेल कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं तो निफ्टी में अगर, अगर अपने को एक्शन चाहिए तो एक्शन कब कर सकते निफ्टी में अगर ट्रेड करना है तो अपने को यहां पर दो चीजें प्लान करनी पड़ेगी या तो अपने को एक डिप बाय वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा वो डिप बाय कैसे ढूंढ सकते हैं हम लोग बॉटम टू टॉप हमने फिरोना चॉ किया ओके अब रिट्रेसमेंट देखो एक बार भी ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट मैं कहां से भी लगा लू से लगा रिट्रेसमेंट नहीं आया यहाँ से लगाओ वन वे लोगों ने मार्केट को ऊपर खींचा तो रिट्रेसमेंट तो आया नहीं है तो जब फर्स्ट रिट्रेसमेंट आएगा तो वो बाय आउट करने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर तो अगर आपको सेफेस्ट ऑप्शन चाहिए जहां पर हाइएस्ट प्रॉबेबिलिटी बनती है कि बॉस मार्केट लगभग हाई चांस है कि यहाँ से अपसाइड मोमेंटम डिप बाय करते ऊपर की तरफ जा सकता है वो ये वाला जोन है ओके ट्वेंटी जा सकता है यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद क्वेश्चन मार्क वाला काम है थर्टी एट पॉइंट टू परसेंट क्वेश्चन मार्क वाला काम है बट फिफ्टी परसेंट एक तो अच्छा खासा टॉप टू बॉटम रिट्रेसमेंट हो गया दूसरा यहां पर देखो रिजेक्शन 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 इसलिए ब्रेकआउट के बाद एक बार भी टेस्ट नहीं किया इस लेवल्स पे, तो इसलिए 24,540 ये वाला जोन है आप कहोगे कि लगभग 300 पॉइंट में नीचे की बात करूं तो वही मजेदार चीज है टॉप से लेके बॉटम तक अगर 300 पॉइंट नीचे की तरफ आता है तो एक बार वो ब्रीद इन करने के लिए रिट्रेस करने के लिए डेफिनेटली जाने की प्रोबेबिलिटी पर हाई है तो इस लेवल को इंपॉर्टेंट मार्केट के आपको रखना है मल्टीपल दो से तीन चीजें यहां पर बैठती है जो सपोर्ट की तरह काम कर सकती है यहाँ पर वन डे या वन डे के आसपास का हमारा प्लान होना हो सकता है इसके नीचे निकलता है तो ये चौबीस हजार चार सौ साठ ट्वेंटी फोर थाउजेंड फोर सिक्सटी विल बी द ट्रेंड चेंजर ट्रेंड चेंज कर सकता है यहां पर क्योंकि सिक्स वन एट वाला लेवल है इसके नीचे निकलता है देन वी कैन एक्सपेक्ट ट्वेंटी फोर थाउजेंड थ्री सेवेंटी एंड ट्वेंटी फोर थाउज ट्वेंटी फोर थाउजेंड टू थर्टी वाला लेवल ही अचीव करते हुए दिखा सकता है ये वाला जो जोन है ना पूरा ये तीन सौ पॉइंट वाला जोन ये एक्चुअली में नो no ट्रेडिंग जोन है यहां पर सेलिंग करना भी गुना है बाइंग करना भी गुना है बाइंग करना इसलिए गुना है क्योंकि ऊपर के साइड अपने को पता नहीं एक्जैक्टली exactly क्या टारगेट देगा अपने को मार्केट सेलिंग करना कहीं ना कहीं जिस हिसाब से मोमेंटम आया है ये तो ये हो जाएगा कि आपने तीन चार बार तुक्का मार दिया उसमें दो तीन में स्टॉप लॉस और एक में कोई शायद आपका बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा आपका वैसा साइकोलॉजी काम करता है तो बिल्कुल आप डेफिनेटली पर कुछ प्लान आउट कर सकते हो अपने हिसाब से रेस्ट मैं इस लेवल पे ये जोन के अंदर ना बाइंग रिकमेंड करूंगा ना सेलिंग रिकमेंड करूंगा क्योंकि वो सेंस बनता ही नहीं है मार्केट को नीचे आने दो सपोर्ट बाइंग बनती है तो एक बार प्लान आउट कर सकते हैं वन एशो का अगर वो भी तोड़ देता है तो फिर इसके नीचे फिर सेलिंग करना पॉसिबिलिटी हो सकता है जिसमें सपोर्ट वन एंड सपोर्ट टू की

मतलब ये भी अगेन 50 परसेंट वाला जोन आता है 12,500 क्लोजिंग हुआ है 689 एटी नाइन पॉइंट नीचे की मैं बात कर रहा हूँ हाँ इसमें एक चीज हम कर सकते हैं वो क्या कि इसका एक सपोर्ट और बैठता है यहाँ पर यहां पर अगर आप देखोगे ये वाला जो इसका प्रीवियस हाई था उसको भी उसके ब्रेकआउट करने के बाद भी एक बार भी रिटेस्ट नहीं किया साथ में अपना जीरो बैठता तो यहां पर दो लॉजिक्स बैठते हैं तो अगर कल मार्केट फ्लैट हल्का फुल्का गैप अप खुलने के बाद यहां आता है तो रिटेस्ट के हिसाब से एक बार बाउंस बैक देखने के लिए अपने को मिल सकता है विच इज ट्वेल्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वाला जोन उसके नीचे निकलता है तो सीधा इंपॉर्टेंस अपने को 12,500 को देना है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल चीजें ऑलरेडी है इसके नीचे निकलता है देन वी कैन थिंक ऑफ सेलिंग के लिए अब उसके नीचे जाएगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए तो फिर हम लोग वहां पर डिस्कस कर लेंगे ज्यादा यहाँ पर नीचे का अपने लोग डिस्कस करके हेडेक पालना लाइन नहीं है मोमेंटम आएगा तो अकॉर्डिंगली फिर हम देख लेंगे रेस्ट एज ऑफ नाउ मार्केट को देखते हुए डिप बाय शुड बी द ऑनली ऑप्शन सेलिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट लेवल टूटते हैं तो ही मोमेंटम यहां पर मिलने का चांस है नहीं तो ट्रैप मार्केट ने मजबूत क्रिएट करते हुए यहां पर रखा हुआ है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग विल सी द नेक्स्ट वीडियो